अल्लाह दोस्तों क्या हाल है ठीक ठाक उम्मीद खैर खैर से एक नई सुबह के साथ फिर हाजिर है कैसे हैं ठीक ठाक हैं आप तो दोस्तों आज हम आएँ एक सुबह सुबह फिर आपके साथ दूसरी वीडियो शेयर कर रहे हैं जी तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले से एक बात जो आपसे मैं कहता हूँ कि आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिए आखिर तक देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए और बेल को ज़रूर दबाइए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए जी क्योंकि एक छोटी सी क्लिक की वजह आपके एक छोटी सी क्लिक हमारे लिए बहुत हौसले की बायस बनती है जी तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं आज की बात बहुत मज़ा आने वाला है आज इसमें क्योंकि इसमें आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होंगी और बहुत गपशपी होगी इनके साथ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी तो सबसे पहले तो हम देखिए जी ये, ये जो रात को रह गई थी उधर रह गई थी क्योंकि वो बंद सारे बंद किए थे लेकिन ये रह गई थी पता नहीं क्यों चुप के रह गई थी और इनको तो हम रात को अकेला छोड़ देते हैं ना सुबह तक इस तरह खुली रहती है ये हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले तो इनको डालेंगे ख़ुराक ताकि ये पहले काले क्योंकि फिर बाद में मुर्गी इनको नहीं छोड़ती देखें ना इसको ये इस पर बर बरबर आती है कि देखो ज़रा ये बतख इससे डरती हैं हालांकि ये छोटी सी चीज़ है ज़रा तुम ये कहा तुम वो कहो और इधर आओ जी आ जाओ आज आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो जी खाओ 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 अभी देखे ना जी ये कितनी मज़े से खा रही है अभी इसको देखे जरा हट जा चलो आ जाओ कहा जाओ आ जाओ काओ आ जाओ जा। डकीज आ जाओ ना यार तुम क्यों खफा हो आ जाओ चलो आओ तुम लोग कहो यार इधर आओ आजी खाते जाओ देखे जरा ये इसकी एक खुशखबरी भी हम आपको देंगे बाद में ज़रा चलो तुम भी आओ ना जी आ जाओ ना बड़े मिया तुम भी आओ चलो जी काओ अभी। खाओ अभी ऐहसे ऐसा खाओ खाते जाओ जी खाते जाओ खाते जाओ खाओ ना जी तुम खाओ चलो इस तरह करते हैं जी कि हम इन जी रोटी थी हमने पानी में भिगोई थी तो इस तरह कर लेंगे कि आधी आधी डाल देंगे इसमें भी और ताकि ये जी रहा इसमें हम रोटी डाल देंगे मुर्गियों के लिए और फिर अलग कर देंगे तो बत्तखों के लिए तो इधर डाल दिया है हमने इनके लिए ठीक है जी ये खाएंगे ये ठीक और बतखों के लिए हम अलग रखेंगे आ जाओ आ जाओ डकीस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आत्मा और इनके लिए हम यहाँ रखेंगे ये पानी भी गंदा किए देखिए ज़रा इस पानी को भी हम गिराएंगे। चलो जाओ तुम जाओ उस तरफ जाओ 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 जा 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 उस तरफ जाओ इनके मतलब हमारे पास आपके लिए खुशखबरी भी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद तो वीडियो ज़रा आखिर तक देखिए जी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि हमारी मेहनत होती है तो आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमारी मेहनत का सिला हमें मिल जाता है जी तो एक छोटी सी गुजारिश है यही तो हमारी वीडियो आखिर तक देखिए जी और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तो चलिए जी हम छोड़ते हैं सबसे पहले इन बड़ों को खुशामदीद खुशामदीद नई नहीं सुबह मुबारक नहीं सुबह मुबारक उस तरफ जाओ उस तरफ जाओ उस तरफ जाओ जा। खुशामदीद एक नई सुबह के साथ चलो जी जाओ 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 अच्छा जी अभी देखते हैं इन बच्चों का क्या हाल है कि ये किस तरह है जिंदा भी हैं कि नहीं क्या हाल है कुड़ियों बटो ना यार अब ये देखिए जी ये आठ थे और सिर्फ नहीं है ये भी ख़राब है जी ख़त्म है तुम कैसी हो ठीक हो आठ थे जी छोटे गेंग के ये दो कारण सिर्फ रह गए इसके और ये सही नहीं है जी लगते कि इन्होंने भी टिकट लिया हुआ है बस अल्लाह खैर करे चलो जी अभी सुबह सुबह फिर मस्ती इसने शुरू कर दी है सुबह हो गई ना मामू देखिए ज़रा अभी सुबह हो गई है तो बस इसने मस्तियाँ शुरू किए अच्छा जी हाँ जी छोटे मेहमान देखते हैं जी छोटे मेहमानों को देखते हैं छोटे मेहमानों कैसे हो तुम इनको भी हम रोटी डाल देंगे इधर इधर ही डाल देंगे जी बस इधर ही हम इनको भी डाल देंगे जी क्योंकि अभी बाहर क्यों निकाल दे बस छोड़ दे आज बाहर नहीं निकालते ये लो जी कहा हमने जी इनको रोटी डाल दिए तुम रोटी खाओ और इनके लिए पानी का बंदोबस्त करेंगे हम देखते हैं ये पानी चले जी इसको पानी डालते हैं हटो हटो कुड़ियों ये पानी भी गंदा हो गया इसको भी हम गिराएंगे चलो हटो हट जाओ इसको भी गिरा दिया इसमें नया पानी डाल देंगे ताज़ा अब हबिस्तो दो को इनको हट जा हट इसलिए तो हम इसके सामने ये गत्ता रख देते हैं ताकि ये आपस में लड़े ना ये शेरा नहीं है। ये ये बहुत ही डीट हो गया है जी चलो जी हम डालेंगे इसके पानी तो दोस्तों आप हमारी वीडियो देख लेते हैं और पूरी देख लिया करें जी और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि हमारी मेहनत तो होती है तो हमें तो सलाम मिलना चाहिए ना जी क्योंकि मज़दूर काम करे तो उसको तो उसकी मज़दूरी मिलनी चाहिए ना हमारी मज़दूरी क्या है जी हमारी मज़दूरी सिर्फ ये है कि आप सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें बस यही हमारी मज़दूरी है जी तो बहुत शुक्रिया जी आपकी फ़ीडबैक भी हमें मिल रही है बहुत शुक्रिया चलो जी खाओ जी छोटो खाओ जी खाओ मजे करो ये पानी भी डाल दिए और ये भी डाल दिए चलो तुम लोग खाओ वैसे भी कौए चील हर वक्त फिर रहे हैं ना तो इसलिए इनको बंद रहना चाहिए अच्छा जी तो मियाँ तो तुम यो तो तुम यो क्या हाल है जी ठीक हो रात कैसी गुजरी ठीक गुजरी अंडे कब दोगे यार तुम कब अंडे दोगे जी अब इसमें भी ज़रा पानी डाल देंगे क्योंकि मौसम गर्मी का है तो ये भी रहे अच्छा है ना पानी से भरे भरा रहे तो अच्छी बात है अब इसको भी डाल देंगे अच्छा रकीस तुम कैसे हो तो इनके मतलब एक खुशखबरी है मैं आपको बताऊंगा लेकिन एक थोड़ी देर बाद अब ये बैठ गई उधर तुम भी आ, कैसे हो शहर है अभी ये सुबह सुबह है ना जी तो ये अभी नहीं खाती हाँ ना मैंने इनके लिए रोटी डाल दी है लेकिन अभी ये इनका मूड नहीं है तो कैसे शरा ठीक है ये जी हो गया पानी भर गया जी इसमें इसको हम रखेंगे जी इधर तक इनसे पानी पिए ये। और अच्छा जी इसको भी डालते हैं ये जो नया मेहमान है ना इसको भी जरा रोटी डालते हैं चलो जी तुम वैसे ये, ये खाता भी इतना नहीं है लेकिन इससे ले लेंगे और चलो आओ जी नए मेहमान तू भी खा क्या याद करेगा तू भी ये ले तू खा पानी भी है तू ठीक है रात कैसी गुजरी सही है इसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये लड़ाई करता है इसके साथ तो इसलिए हम इसको नहीं निकाल सकते अच्छा जी ये पानी भी भर गया ये दे हो गया पानी जी अच्छा जी तो अभी चलते हैं ज़रा इसमें इसको भी गिरा देते हैं तो अभी डाल देंगे हम इसमें पानी ये भी भर जाए तो ये अंडा किसके लिए है ये पानी के बग़ैर बिल्कुल नहीं रह सकते अब इनके लिए हम बनाएंगे एक छोटा सा तालाब बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी कैसा तू जानू तू कैसा है ठीक है ना तू मजे में है खुश तो है ना तू बहुत शुक्रिया तेरा भी यार अच्छा जी शेरा शेरा को मेरे ख्याल में गर्मी लगी है देखे ज़रा इसको लगी है गर्मी इसको देखे जरा इसको लगी है गर्मी तो खैर जी कोई बात नहीं ये तो होता है ना इसी मौसम में होता है इसी तरह होता है अब उधर देखें ना ये मुर्ग़े नहीं है ये भी बड़ी डीढ़ होती हैं हर जगह इन्हीं का काम होता है अब ये जगह इन बतखों की है लेकिन ये मुर्गे नहीं है ये गंजी ये अब इनमें टांग गढ़ रही है देखिए ज़रा इनके इलाके में आई है जाओ ना यार अपने इलाके में जाओ माना देखिए ज़रा ये इसके पीछे आ भी रही थी कि जाओ जी हमारे इलाके से दूर रहो ये तो बड़े मासूम है जी ये पे आ गए जी देखिए ये इनकी जगह आई आइए अच्छा इनके लिए इसमें जरा डाल देंगे ये तो मैंने पानी डाल दिया इनके इस ये इसमें डालेंगे कहा जी खाँ। ये जरा सही है इसको देख तू हट तू हट तू खा ये नहीं खाती यार पता नहीं क्यों शायद ये रोटी भी गोभी वाली रोटी नहीं खाएगी वो खफा रहा अगला है, पता नहीं क्यों जी काओ जी कहा काओ, मजे करो जी मजे हमारा शेर को आज बड़ी गर्मी लगी है देखिए जरा पता नहीं क्यों क्या हुआ इसको तो चलिए जी जिस खुशखबरी का मैं आपको इंतजार कर रहा था तो उसकी गाड़ी आन पहुंची है तो चलिए वो खुशखबरी आपको साथ शेयर करते हैं चलिए आइए जी तो चलिए जी वो खुशखबरी आपको सुनवाते भी हैं और दिखाते भी हैं चलिए आइए जी अच्छा जी हम आए हैं अब हम आए देखते हैं जी के इधर अंडे की क्या पोजीशन है जी अंडे होंगे कि नहीं होंगे चलिए इस तरफ देखते हैं ये यहाँ भी तो कुछ नहीं है ये देख लें और इधर आइए यहाँ देखते हैं जी यहाँ भी कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है और यहाँ पे देखते माशाल्लाह 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 ये देखिए जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह ये अंडे आ गए जी मुर्गे ने डाले हैं अंडे देखिए माशाल्लाह जी कैसे हैं ठीक है ना इनको भी हम उठाएंगे अभी और अब ये वाली बतख नहीं है जी देखे जरा इसको ये वाली तो इसलिए भी माशाल्लाह एक अंडा दिया है वो आपके वो वही स्पेशल था हमारे लिए क्योंकि इस नए मेहमान ने अंडे शुरू कर दिए हैं जी तो चलिए उसका अंडा भी आपको दिखा देते हैं तो जी उसने अंडे डाले हैं जी यहाँ पे देखिए जी ये देखिए जी माशाल्लाह ये अंडा देखिए जी ये डक्स का पहला अंडा है और ये दूसरी पता नहीं ये भी किसकी है जी मेरे ख्याल में ये मुँह डाले होंगे ज़रा जरा निकाल लेंगे तो चलिए जी जरा ये अंडे दिखाते हैं आपको ये देखे जी ये देखे जी ये दो अंडे हैं हाँ मेरे ख़्याल में ये अंडा भी इसी ने डाला होगा क्योंकि दोनों एक ही साइज़ के लग रहे हैं ये देखे जी ये अंडे जी ये हमारे डक का अंडा है ये पहले अंड, पहला अंडा ये था और ये मेरे ख़्याल में ये हाँ ये दूसरा अंडा है हाँ सही है जी ये है जू डक्स के अंडे तो ये खुशखबरी थी हम आपके साथ शेयर कर रहे थे इन अभी अंडे आ गए हैं तो चंद दिनों बाद हम इसको कुड़क मुर्गी बिठाएंगे इन अंडों पर तो फिर वो बच्चू जाएंगे और फिर भी वो आपके साथ शेयर करेंगे उनका बहुत मज़ा आएगा जी और ये अंडे हैं जी ये दो अभी हम रख रहे हैं फिलहाल इधर ये बतख के ये दो बतख और ये मुर्गियों के देख रहे हैं ज़रा ये दो बतख और ये मुर्गियों ने डाले हैं माशा माशा हाँ जी इसी तरह लगे रहो जी लगे रहो इसी तरह लगे रहो जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत जल्दी हम इसकी भी खुशखबरी सुनेंगे और आपके साथ इस इनके बच्चे शेयर करेंगे जी और ये जी इनका हेड है जी देख ले ज़रा माशाल्लाह जी माशाल्लाह ये चूज़े देख ले ज़रा ये इन्होंने भी बस टिकट लिया हुआ है जी हाँ जी बस ये जाने वाले हैं जी रुकने वाले नहीं हैं ये इन्होंने कहा कि हम भी अपने गैंग के पीछे जाएंगे यहाँ पे हमारा क्या काम क्योंकि ये दो ही रह गए हैं आठ में तेरह थे तेरह में फिर नौ फिर आठ और अब ये सिर्फ दो रह गए क्योंकि एक दिन में छः मर गए थे ये बस अब जाने वाले हैं जाने वाले को कौन रोक सकते हैं हालांकि हमने इनको मेडिसिन सब कुछ दिए लेकिन बस क्या करें जी तो ये, ये हमारी वीडियो थी जी और आज का सरप्राइज़ भी यही था आपके साथ शेयर कर दिया जी तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब सब्स्क्रा, ज़रूर कीजिए जी क्योंकि हमारी मेहनत का सिला इसी तीन चीज़ों में है जी तो आज तक के लिए इतना ही सही है जी कल एक नए मौजू के साथ नई वीडियो में फिर हाज़िर होंगे इन जी तो अपना बहुत ख्याल रखिए बहुत ख्याल रखिए क्योंकि तो गर्मी का मौसम है और गर्मी और धूप से खासकर अपने आप को ज़रूर बचाइए जी तो बहुत शुक्रिया जी इनशाला कल मिलेंगे एक नई वीडियो नए मौजू के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफिज़